तो हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, आप सब लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब लोगों को याद होगा पिछले वीडियो में हमने फाइनली 11 एपिसोड के बाद आज हम फाइनली एक घर बना लिया। आप इधर देख सकते हो, अभी भी क्या है ना दोस्तों, अभी भी इस घर का पूरी तरीके से काम जो है कम्प्लीट नहीं हो पाया। आप सब लोगों को याद होगा इसका जो छत है अभी तक पूरी तरीके से बनाया नहीं है, तो आज हम छत बनाएंगे और उसके बाद सीढ़ी भी बनाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हो हमारा जो घर है उतना बढ़िया तरीके से नहीं दिख रहा, मतलब उतना अच्छा ब्लॉक से मैंने नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ कॉबल स्टोन और प्लैंक से ही मैंने इस घर को बना दिया। लेकिन इसके बाद में हमको बढ़िया बढ़िया ब्लॉक्स जो मिलेंगे उसके बाद हम बहुत ही बढ़िया तरीके से इस घर को बनाएंगे दोस्तों, अपग्रेड वगैरह करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन अभी के लिए इसको ऐसे रहने देते हैं। देखो यार, पहला घर होता है, मतलब जैसे भी हो पहला घर हमने बनाया, मतलब फर्स्टली हमने एक घर बनाया। पूरे के पूरे 11 एपिसोड के बाद आज फाइनली हमने एक घर बनाया दोस्तों, तो अब अच्छा है, तो इसको बाद में धीरे धीरे अपग्रेड करते जाएंगे। तो और दोस्तों, आज क्या है ना, आज हम एक बो बनाएंगे और तो और हम उस बो को फुल्ली एंचेंटमेंट भी करने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। हो सकता है हमको एक बढ़िया से एंचेंटमेंट भी उस बो को लग जाए, तो देखते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो हमारा जो दरवाज़ा है वो अंदर की तरफ से लगा है, मतलब एक टाइप का बेकार टाइप का लुक आ रहा है। तो सबसे पहले इस दरवाज़े को तोड़ेंगे और उसके बाद हम जो दरवाज़ा है वो मतलब क्लियरली हम बनाएंगे। आप जैसे कि, और इधर मेरे को एक सीढ़ी भी बनाना है, तो मैंने सीढ़ी भी लेकर आ गया दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। तो सबसे पहले इधर एक सीढ़ी लगाएंगे। तो दोस्तों, इधर मेरे को पूरी तरीके से एक प्लेन एरिया बनाना पड़ेगा। इधर भी मैं क्या ना डट से इधर से फिल कर देता हूँ, ताकि ये मतलब मेरे को आने जाने में उतना भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और इधर मैंने सीढ़ी भी लगा दिया, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। अभी सिर्फ और सिर्फ दरवाज़ा लगाना बाकी है, तो जल्दी से जल्दी दरवाज़ा भी इधर लगा देते हैं। तो दरवाज़ा जो है पूरी तरीके से लग चुका है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। तो दरवाज़ा जो है लग चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हो हमारा जो छत है पूरी तरीके से मतलब खाली है। इस छत को भी हमको बनाना पड़ेगा आज कैसे भी कर, और ऊपर जाने के लिए सीढ़ी भी लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने सीढ़ी भी बना लिया है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। तो सबसे पहले सीढ़ी से स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे इस सीढ़ी को बना देते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हो हमारा जो सीढ़ी है लगभग पूरी तरीके से बन चुका है। अभी आप देख सकते हो पूरी तरीके से मैंने जो सीढ़ी है पूरी तरीके से बना दिया। अभी सिर्फ और सिर्फ इधर एक ब्लॉक जो है बना, मतलब इधर एक ब्लॉक रखना है। तो दोस्तों, अभी क्या ना हमारा जो पूरी तरीके से जो सीढ़ी है वो तो बन चुका है, अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा जो छत है इसको ही बनाना है। तो इसको क्या ना ऊपर से मैं पूरी तरीके से ब्लैंक से फिल करने वाला हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो हमारा जो छत है पूरी तरीके से लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी इधर क्या ना मैं फैंस लगाने वाला हूँ, ताकि क्या ना मैं इधर से मतलब व्यू भी बढ़िया तरीके से ले सकूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखेगा। और आप देख सकते हो हमारा जो सीढ़ी है ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गया। इधर एक मतलब इधर एक मैं प्लैंक लगा देता हूँ, इधर भी प्लैंक भी लग चुका है, तो अभी बहुत सही है। इधर हो सकता है तो मैं ट्रैप डोर वगैरह लगा दूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले इधर टॉर्च जो है लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं हम क्या ना टॉर्च लगा देते इधर। तो दोस्तों, मैंने टॉर्चेस तो पूरी तरीके से लगा दिया और मैंने फैंस भी बना दिया, जैसे कि अभी आप देख सकते हो। अभी इधर सिर्फ और सिर्फ फैंस जो है लगाना बाकी है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हो अभी रात भी हो जाने वाला और मेरा जो फैंस है ये भी पूरी तरीके से लग चुका है। आप इधर देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से लुक भी आ रहा है दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो पूरी तरीके से जो फैंस है वो पूरी तरीके से लग चुका है। तो दोस्तों, हमने तो मतलब छोटा ही घर बनाया, लेकिन अभी आप देख सकते हो व्यू जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से आ रहा है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से लुक आ रहा है, आप इधर देख सकते हो एक बार। अभी क्या ना पूरी तरीके से रात हो चुका है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मतलब व्यू जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से आ रहा है, और जॉम्बीज भी बहुत ही बढ़िया तरीके से वो भी आ रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी मेरे को सबसे पहले सोना पड़ेगा, लेकिन जो व्यू है ना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार दिख रहा है, आप इधर देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से दिख रहा है। हमने सिर्फ और सिर्फ कॉबल स्टोन और प्लैंक से यूज़ कर बहुत ही बढ़िया जो है घर बनाया, लेकिन इसको बाद में हम धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे, कोई बात नहीं है, उसका आप चिंता मत करो। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हो अभी पूरी तरीके से रात जो हो चुका है, मैं नीचे नहीं सो पा रहा दोस्तों, बहुत ज़्यादा जॉम्बीज है, तो इसलिए इसको मैं ऊपर लेकर आ गया बेड जो है, लेकिन अभी भी इधर भी मैं नहीं सो पा रहा, जैसे कि आप इधर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा जो जॉम्बीज है चारों तरफ से हो गया दोस्तों। तो सबसे पहले मेरा जो बेड है इसको तोड़ते हैं और उधर एक बार ट्राई कर देते हैं, ताकि मतलब इधर एक जॉम्बी है ना, तो इधर ट्राई करते हैं, हो सकते हैं तो इधर हम सो पाएंगे। तो इधर भी हम नहीं सो पा रहे दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले इधर क्या ना मेरे को टॉर्चेस लगाना पड़ेगा, ताकि उजाला वगैरह मतलब हो सके। तो आप देख सकते हो इधर पूरी तरीके से मैं अभी क्या ना चारों तरफ से टॉर्चेस लगाऊंगा, ताकि जॉम्बीज वगैरह मतलब नहीं आएंगे, ताकि मैं सो पाऊंगा।
तो दोस्तों मेरे को अभी अभी याद आया, मेरे को अभी 30 लेवल भी बनाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मेरे को वो को क्या है ना एंचेंटमेंट भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए 30 लेवल होना का मतलब इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है ना, इसको जॉम्बीज को बहुत ज़्यादा मारते हैं और हमारे जो 30 लेवल है उसको भी बना देते हैं। तो ये जॉम्बीज तो मेरे को ही बहुत ज़्यादा मार दे रहे हैं, जैसे कि अभी देख सकते हो। लेकिन फाइनली इस जॉम्बीज को मैंने मार दिया, लेकिन उतना ज़्यादा एक्सपी मेरे को नहीं मिला, तो मेरे को और भी काफ़ी ज़्यादा जॉम्बीज को मारना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो, उधर और दो जॉम्बीज है, तो इस जॉम्बीज को भी मतलब ये जॉम्बीज को भी मारेंगे। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मारना पड़ रहा है। अगर हमारे पास मतलब जो हमने डायमंड का जो स्वॉर्ड बनाया, अगर वो हमारे पास होता है ना दोस्तों, तो ये बहुत आसानी से ये मर जाते हैं। तो लेकिन इसके लिए मतलब अभी के लिए इसको ऐसे ही मार देते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो इधर भी जॉम्बीज है, ये तो मर गया। अभी इधर एक स्पाइडर है, तो इसको भी जल्दी से जल्दी मार देते हैं। तो इसको भी मैंने मार दिया। तो क्रीपर अभी बहुत डरे, बहुत बुरी तरीके से ये तो फटा, और उसके बाद स्केलेटन भी आ चुका है दोस्तों। लेकिन मैंने क्रीपर से तो बच गया, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके, मतलब मैंने तो बच गया दोस्तों, आप इधर देख सकते हो। तो अभी स्केलेटन से मेरे को फाइट लेना पड़ेगा। उधर क्या ना, क्रीपर और भी है शायद दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी इसकी मतलब सबसे पहले मैं इसको मारने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा मारा है मेरे को ये, काफ़ी ज़्यादा मेरा हार्ट भी कम हो चुका है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। मेरा जो मतलब मेरे को जल्दी से जल्दी फूड जो है खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं मार भी सकता हूँ दोस्तों। तो ये जो है मेरा पीछे ही पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको मार। अबे यार बहुत ज़ोर से मार रहा है दोस्तों, अब बहुत मार रहा है ये तो मेरे को। जल्दी से जल्दी मैं अभी कहले इससे भाग लेता हूँ, क्योंकि उसके पीछे क्रीपर है दोस्तों। तो इसके पहले मेरे को सबसे पहले पेट जो है भरना पड़ेगा। तो मैंने पेट जो है पूरे तरीके से भर दिया। अभी जल्दी से जल्दी मेरा जो हार्ट है वो फिल हो जाने के बाद इससे मैं फाइट लेने वाला हूँ। अभी भी ये मेरे पीछे ही है, तो अभी क्रीपर नहीं है, तो इसलिए जल्दी से इसको मार देता हूँ। इसको अबे बहुत मार रहा है दोस्तों ये तो, मैं जैसे आ रहा हूँ ये मेरे को मारते ही जा रहा है। अगर हमारे पास इसीलिए हमारे पास बो वगैरह होता है ना दोस्तों, तो हम इसको दूर से ही मतलब मार सकते हैं। तो अभी स्पाइडर को मारना बहुत ही ज़्यादा आसान है, मैंने स्पाइडर को मार दिया। तो दोस्तों इसीलिए मैं आप सब लोगों को कह रहा था हम एक बो बनाएंगे, ताकि क्या ना इन लोगों को हम दूर से ही मार सकें। हमारे जो छत है ना, उधर से हम इन लोगों को मार सकते हैं दोस्तों। जब हमारे पास अच्छा बो जो है एंजॉयमेंट हो जाएगा ना दोस्तों, इधर बहुत ज़्यादा स्केलेटन्स है और इसके पास एंजॉयमेंट बो है दोस्तों। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, इसके पास एंजॉयमेंट बो है। तो सबसे पहले मेरे को शील्ड करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारेंगे वो उन लोग, उन दोनों से वो लड़ रहे जैसे कि आप इधर देख सकते हो। तो इसको सबसे पहले मैं मार देता हूँ। तो इसको मैंने मार दिया, एंजॉयमेंट बो तो इसने नहीं दिया दोस्तों। तो इसके पास नॉर्मल बो है, तो इसको सबसे पहले मैं मार देता हूँ। स्केलेटन्स बहुत जोर मारते हैं दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, बहुत ज़्यादा मतलब ये एरो शूट रहा है, इसका निशाना बहुत बढ़िया तरीके से हमको लगेगा। तो इसके पास भी एंजॉयमेंट बो है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो। तो हमारा 30 लेवल भी हो चुका है, लेकिन इसने एंजॉयमेंट बो जो है नहीं दिया, ये अभी जल रहा है। इसको और मारेंगे, इसको मारना आसान होगा, लेकिन ये तो हमको बहुत बढ़िया तरीके से मार रहा है जैसे कि आप इधर देख सकते हो। तो इसको भी मैंने फाइनली मार दिया, काफ़ी ज़्यादा हार्ट्स जो है मेरा चल चुका है जैसे कि आप इधर देख सकते हो। लेकिन अच्छी बात ये है कि सुबह भी हो चुका है और हमारे जो 30 लेवल है वो भी हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों उन सारे स्केलेटन्स को मैंने मार दिया, जैसे कि अभी आप देख सकते हो मेरे पास पूरे पूरे 30 लेवल भी हो चुके हैं। उसके पास क्या ना एंजॉयमेंट बो है दोस्तों, उसके पास एंजॉयमेंट बो मेरे को मिल चुका है, आप इधर देख सकते हो। इसमें क्या ना अनब्रेकिंग 1 लगा है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। अनब्रेकिंग 1 उतना भी मतलब बढ़िया एंजॉयमेंट नहीं है दोस्तों, नॉर्मली एंजॉयमेंट है। अभी क्या ना, अभी इन दोनों को मिलाकर हम एक बो बना देंगे, ताकि क्या ना आप देख सकते हो इधर हम लोग को एक बो जो है मिल रहा है, मतलब हमको फिर से बो जो है बनाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, अनब्रेकिंग 1 नॉर्मल एंजॉयमेंट है दोस्तों। अभी हम एक फुल जो है मतलब पूरी तरीके से जो बो है वो ही बना देते हैं, तो वो जो है बना देते दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हो, उन दोनों बो को मिलाकर मैंने एक बो फुल बो मतलब फुल्ली पावरफुल जो बो है उसको बना दिया, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। इसका जो हेल्थ है पूरी तरीके से फुल है। तो दोस्तों अभी क्या ना, अभी हम इसी बो को एंजॉयमेंट करने वाले हैं, जैसे कि अभी मेरे पास 30 लेवल भी हो चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी एंजॉयमेंट टेबल के पास जाएंगे और इस बो को फुल्ली एंजॉयमेंट भी करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हो, मैं अपने जो बेस है उसके पास आ गया, और आप सबसे पहले मेरा जो डायमंड आर्मर मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा दूंगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, हमारा जो डायमंड आर्मर है एकदम बढ़िया लुक दे रहा है दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। और उसके बाद मैंने दोनों दरवाजा भी बढ़िया तरीके से बनाया, जैसे कि उधर देख सकते हो। तो सबसे पहले हम एक बो को मतलब सबसे पहले बो को एंजॉयमेंट कर देते हैं, तो उसको बाद में देखेंगे। तो दोस्तों मैं लैपिस लेजर लेना ही भूल गया, सबसे पहले मेरे को लैपिस लेजर लेकर आकर उसके बाद में मैं एंजॉयमेंट कर सकता हूँ। तो ये रख दिया वो, अभी नीचे रखना पड़ेगा लैपिस लेजर। तो देखते क्या मिलता, पंच 2 कुछ मिल रहा है दोस्तों, और पावर 2, पंच 2 और पावर 2 मिल रहा है दोस्तों। तो ले लेते हैं पंच 2 को ही।
तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को पंच टू ही मिला दोस्तों। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, इसमें ना इन्फिनिटी है, मतलब फ्लेम भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को एक ही मिला, मतलब सिर्फ और सिर्फ पंच टू ही मिला दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। और हमारे जो तीन लेवल्स है वो भी ले लिया दोस्तों, मतलब ये तो बेकार एंजॉयमेंट है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को पंच टू ही मिला। मेरे को लगा मतलब फ्लेम वगैरह कुछ मिल जाएगा, फ्लेम क्या ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि उसमें से आग निकलता है, इसमें पावर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बेकार हम लोगों को बहुत दे दिया दोस्तों। तीन लेवल्स भी ले लिया तो ये तो बेकार एंजॉयमेंट है दोस्तों। अभी क्या ना मैं एक और वो बनाऊंगा और उसको भी एंजॉयमेंट करूंगा दोस्तों, हो सकता है हमको कुछ अच्छा एंजॉयमेंट जो है मिल जाएगा। तो देखते हैं अभी क्या ना, अभी फ्लेम जो है मिल रहा है दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो अनब्रेकिंग टू भी मिल रहा है, लेकिन मैं क्या ना अभी मेरे पास 30 लेवल नहीं है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। अभी मेरे को क्या ना फिर से 30 लेवल बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इस बो का एंजॉयमेंट करेंगे। तो दोस्तों अभी क्या ना अभी इस बो को हम एंजॉयमेंट नहीं करने वाले, जैसे कि आप इधर देख सकते हो मेरे पास 30 लेवल नहीं है। तो हमारे पास जब 30 लेवल हो जाएंगे ना, उसके बाद ही हम एंजॉयमेंट करेंगे, तो तब तक के लिए इसी बो को यूज़ करेंगे। इसमें अनब्रेकिंग भी नहीं लगा है दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा बेकार एंजॉयमेंट हो गया हमारा जो बो है, मतलब कि कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है उसमें नहीं लगा है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बेकार एंजॉयमेंट हो गया है हमारे को। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हो, अभी मैं अपने घर के पास आ गया, जैसे कि आप इधर देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से लुक भी आ रहा है दोस्तों। हमारा जो बो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा बेकार एंजॉयमेंट लग चुका है, मतलब पंच टू लगा है, मतलब उतना भी बेकार नहीं है, लेकिन बहुत ही कम एंजॉयमेंट लगा है, अनब्रेकिंग भी नहीं है, उसमें पावर भी नहीं है, उसमें मतलब फ्लेम भी नहीं है दोस्तों। फ्लेम अभी हम लोग को मिल रहा है अभी, लेकिन उसके लिए फिर से हम लोगों को क्या ना 30 लेवल मतलब बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्या ना एंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो उसको क्या ना उसको हम बाद में एंजॉयमेंट करेंगे, तो तब तक के लिए इसी को यूज करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है इधर ही खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आए तो जल्दी से जाओ लाइक करो और शेयर करो, और तो और दोस्तों आप इस चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना दोस्तों। तो दोस्तों लगभग 95% जो लोग हैं वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वो लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखकर निकल जा रहे हैं, तो ऐसा मत करो, तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर दो। मैं पिछले बार भी मैंने आप लोगों को एक बार बताया था 95% जो लोग हैं वो लोग सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फिर से मेरे को बोलना पड़ रहा है दोस्तों। तो इस बार जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है इधर ही खत्म होता है, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अलविदा।